What are Python functions? Functions are reusable blocks of code that perform specific actions. They allow code to be broken down into smaller, more manageable pieces. That means functions are reusable. Reusable means जिनको हम बार बार use कर सकते हैं. Blocks of code, यानी कि program का एक sub part होता है, कुछ coding lines होती है, कुछ statements होते हैं और उनके group of code कह सकते हैं that perform specific action, जिनका काम होता है कि कुछ particular work को करने के लिए बनाया जाता है. They allow code to be broken down into smaller, more manageable pieces. यानी कि एक प्रोग्राम हमारा बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन उस प्रोग्राम को जब हम छोटे छोटे फंक्शंस में बांट लेते हैं तो वो फिर मैनेजेबल हो जाता है. छोटे छोटे कोड होते हैं और उन कोड को हम अलग अलग चेक कर सकते हैं और फिर आपस में जोड़ के एक बड़ा प्रोग्राम बना सकते हैं. What is the importance? Functions promote modularity, ease code maintenance and reduce repetition in code. They are essential to writing quality code. इट मीन्स कि फंक्शंस हमें ये फैसिलिटी देता है कि हम अपने बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे मॉड्यूल्स या पार्ट्स में बांट सकें और कोड्स को, जो भी कोड लिखा है उसको मैनेज कर सकें एंड रिड्यूस रिपीटेशन इन कोड. तो अगर हमने एक फंक्शन बना लिया और मुझे वो बार बार काम कराना है तो हमें उस फंक्शन को बार बार कॉल करने की ज़रूरत होगी, ना कि उस कोड को बार बार लिखें. एक बार लिख दिया है तो बस हमें दोबारा उस फंक्शन को केवल कॉल करना है. सो इस तरीके से वो रिपीट करने से हमें बचाता है. दे आर एसेंशियल टू राइटिंग क्वालिटी कोड. तो जब हम अपने प्रोग्राम को स्मॉल पार्ट्स और फंक्शंस में बांट लेते हैं तो जो क्वालिटी होती है प्रोग्राम की वो बढ़ जाती है और उसमें एरर्स कम होते हैं. व्हाट आर कंपोनेंट्स ऑफ पाइथन फंक्शन, यानी कि पाइथन फंक्शन के अलग अलग पार्ट्स क्या हैं. तो सबसे पहला पार्ट, नेम ऑफ द फंक्शन, यानी कि फंक्शन का नाम. उसी नाम से हम फंक्शन को कॉल करते हैं. फंक्शंस जो वैल्यू हमसे लेता है जिस पे वो कैलकुलेशन करना हो, दैट इज़ कॉल्ड आर्गुमेंट्स. फंक्शन की बॉडी के अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं या जो कोड लिखा होता है, जो लाइंस होती है, दैट इज़ कॉल्ड स्टेटमेंट. कुछ फंक्शंस कैलकुलेशन करने के बाद वैल्यू वहीं प्रिंट कर देते हैं. कुछ फंक्शंस कैलकुलेशन करने के बाद जो भी रिजल्ट आता है उसको रिटर्न कर देते हैं. तो अगर फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड रिटर्न वैल्यू. रिटर्न करने का मतलब है कि जहाँ पे उस फंक्शन को कॉल किया गया है वहीं पे कैलकुलेशन करने के बाद एक वैल्यू दे दिया, वापस भेज दिया, जिसको हम वेरिएबल में स्टोर करते हैं. तो उसका एग्जांपल अभी हम लोग आगे देखेंगे. नाउ लेट्स क्रिएट अ फंक्शन. द फंक्शन नेम इज लार्जेस्ट. इट विल टेक 3 आर्ग्यूमेंट्स, कंपेयर द वैल्यूज एंड रिटर्न द लार्जेस्ट वैल्यू. तो इस फंक्शन का नाम होगा लार्जेस्ट. इसमें 3 आर्ग्यूमेंट पास करेंगे, यानी कि 3 वैल्यू पास करेंगे, 3 नंबर पास करेंगे. और फंक्शन का काम होगा कि तीनों को कंपेयर करेगा और कंपेयर करने के बाद जो भी लार्जेस्ट वैल्यू है उसको रिटर्न कर देगा. लेट्स सी हाउ टू क्रिएट फंक्शन. डेफ इज़ द कीवर्ड विच इज़ यूज्ड टू क्रिएट अ फंक्शन. डेफ मतलब डिफाइन, और डेफ लिखते हैं और उसके बाद फंक्शन का नाम, ब्रैकेट में आर्गुमेंट लिस्ट a, b, c. तो जो भी वैल्यूज़ फंक्शन में पास की जाएगी वो वैल्यूज़ पहले ए और फिर बी और फिर सी में कॉपी हो जाएगी. अब फंक्शन के अंदर देखिए कंपेयर हो रहा है, इफ़ ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी कोलन. तो अगर ए बी से भी बड़ा है और ए सी से भी बड़ा है तो ये फंक्शन ए को रिटर्न कर देगा. अगर ऐसा नहीं है तो चेक करेगा क्या बी ए से बड़ा है और बी सी से भी बड़ा है. अगर दोनों से बड़ा है तो बी की वैल्यू रिटर्न हो जाएगी, नहीं तो जब दोनों ही कंडीशन नहीं रिटर्न हुई तो तीसरा है सी, तो एल्स रिटर्न सी. ये केवल फंक्शन का ब्लॉक है और प्रोग्राम जो स्टार्ट होगा वो फंक्शन से नहीं स्टार्ट होके मेन प्रोग्राम से स्टार्ट होता है. यानी कि पहली लाइन ए इक्वल टू int इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, यानी कि पहले ये स्टेटमेंट चलेगा, यूज़र को ये प्रॉम्प्ट मिलेगा, यूज़र जो भी नंबर इनपुट करेगा वो ए में चला जाएगा, फिर बी में, एंड देन थर्ड सी इज इक्वल टू int इनपुट एंटर थर्ड नंबर, तीसरी वैल्यू सी में जाएगी. अब फंक्शन नीचे कॉल हो रहा है लार्जेस्ट a, b, c, यानी जो भी नाम ऊपर होगा उसी फंक्शन का नाम नीचे हमने लिखा है, और इसको तीनों वैल्यू पास हो रही है ए बी और सी, जो कि ऊपर वाले ए बी सी में कॉपी हो जाएगा और वहाँ से जो भी वैल्यू रिटर्न होगा वो नीचे एम में स्टोर हो जाएगा और फाइनली प्रिंट एम हो जाएगा. अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमने लार्जेस्ट फंक्शन में ब्रैकेट में ए बी सी लिखा है, यानी कि आर्गुमेंट वेरिएबल्स का नाम ए बी सी डाला है, तो हमें मेन प्रोग्राम में भी ए बी सी वेरिएबल ही लेना होगा. हम वहाँ पर कोई दूसरा वेरिएबल भी ले सकते हैं, वेरिएबल का नाम एक्स वाई जेड रख सकते हैं, लेकिन हमें फिर लार्जेस्ट में जब हम पास करेंगे तो हम एक्स वाई जेड को पास करेंगे और एक्स वाई जेड की वैल्यू ऊपर के ए बी सी में कॉपी हो जाएगी.
What is function? Function is a block of reusable code used to perform a single action. It divides big program into smaller parts. Functions may or may not take some input with the function, called as arguments, and may or may not return value. Question number 2. Define strings. A sequence of characters which is enclosed or surrounded by single quotes or double quote is known as string. Example, city equal to Delhi. Koi bhi value jo ki double quotes ke andar likha hua hai, that will be considered as string. Aur ye sequence of characters bhi ho sakta hai, ya sequence of character and digit ho sakta hai, alphanumeric, ya completely bhi digits bhi ho sakte hain, jaise ki is case mein फ़ोन इक्वल टू जो भी फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, लेकिन इस केस में क्योंकि पूरे का पूरे डबल कोट्स के अंदर है, सो इट विल बी कंसिडर्ड एज स्ट्रिंग. अब ये नंबर नहीं है, ये एक स्ट्रिंग है. हाउ कैन वी कॉल अ फंक्शन इन पाइथन? एक्सप्लेन यूजिंग एग्जाम्पल. यानी कि फंक्शन को हम कैसे कॉल करेंगे अपना काम कराने के लिए. फंक्शन कैन बी कॉल्ड एनी टाइम फ्रॉम मेन और अदर फंक्शंस बाय टाइपिंग द फंक्शन नेम एंड पासिंग द पैरामीटर्स. तो फंक्शन को हम मेन प्रोग्राम के अंदर से कॉल कर सकते हैं या एक किसी फंक्शन के अंदर से दूसरे फंक्शन को भी कॉल कर सकते हैं. केवल हमें उस फंक्शन का नाम देना होगा और जो भी वैल्यूज हमें पास करनी है, दैट इज़ कॉल्ड पैरामीटर्स. जो वैल्यू हम पास करते हैं वो पैरामीटर्स है, और जहाँ पर फंक्शन डिफाइन होता है, जो वैल्यू ले रहा होता है, दैट इज़ कॉल्ड आर्गूमेंट्स. तो हम पैरामीटर्स की लिस्ट यहाँ पर टाइप कर देते हैं, और अगर वो फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो हम लेफ्ट साइड में एक वेरिएबल रखते हैं जिसमें वो वैल्यू स्टोर हो सके. व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस? यानी कि फंक्शंस कितने प्रकार के होते हैं? फंक्शंस दैट रेडिली कम विद पाइथन आर कॉल्ड बिल्ट इन फंक्शंस. यानी कि फंक्शन जो कि आसानी से हमें पाइथन के साथ ही मिल जाते हैं, वो कहलाते हैं बिल्ट इन फंक्शन. यानी कि वो पाइथन के अंदर ही बने हुए हैं. प्रिंट, इनपुट, रेंज, टाइप आर सम एग्जांपल्स ऑफ बिल्ट इन फंक्शन. फंक्शंस दैट आर नॉट अवेलेबल विद पाइथन कैन बी डिफाइंड बाय प्रोग्रामर टू डू सर्टेन स्पेसिफिक टास्क. तो जो फंक्शन हमें पाइथन के द्वारा नहीं मिलते हैं और हम उनको चाहते हैं अपने प्रोग्राम में, तो हम उन्हें उन फंक्शन को हमें डिफाइन करना पड़ता है. तो जो यूज़र या जो प्रोग्रामर जिस फंक्शन को बनाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज User defined functions. Write any two built-in functions to manipulate strings. तो string के ऊपर काम करने के लिए कौन से function Python provide करता है जिसके द्वारा हम string से कोई value निकाल सकें या string के बारे में जानकारी मिल सके. So these are some of the examples. Python includes the following built-in functions to manipulate strings. The first one is len. That is written the length of a string. यानी कि उस string में, यानी कि उस sentence में जितने भी character होंगे, ये वो return करेगा. तो हमें पता चलेगा कि ये word या sentence में कितने characters हैं. That is called length. Second is lower. It converts all upper case to lower case. यानी कोई capital letter में कोई चीज़ लिखी हुई है तो वो चीज़ lower case में हो जाएगा. इसकी ज़रूरत तब पड़ती है कि जब हमें दो वर्ड्स को आपस में कंपेयर करना हो, तो हो सकता है कि कोई एक वर्ड कैपिटल में लिखा हो, कोई दूसरा वर्ड लोअर में लिखा हो, तो दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो दोनों सेम होने के बावजूद भी ये बताएगा कि अलग अलग है. तो अगर हम दोनों को लोअर में कन्वर्ट कर लेंगे, देन बोथ विल बी ऑफ द सेम केस, एंड इफ द वर्ड्स आर सेम, इट विल रिटर्न एज इक्वल. कैपिटलाइज. कैपिटलाइज रिटर्न्स अ स्ट्रिंग विद द फर्स्ट कैरेक्टर इन कैपिटल. तो अगर हमें कोई ऐसा टाइटल बनाना हो जिसमें पहला कैरेक्टर कैपिटल में होना चाहिए, बाकी स्मॉल में, देन वी विल यूज दिस फंक्शन कैपिटलाइज.